बाय बाय। लाइट्स ऑफ करनी पड़ रही है। Hey guys, welcome back to my channel. All I do is fun. और अभी हम लेट हो रहे हैं। Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. All I do is fun. आपका स्वागत करते हैं। Yeah. मेरे को लगा नहीं था कभी मैं ये बोल पाऊंगा ना। अब मैं ऐसे आराम से कह देता हूँ। Hello guys. हेजिटेशन होती ना स्टार्टिंग में, बाद में सब कुछ सही हो जाता है। भूख लग रही है अब क्या करूँगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेट्स गो 3, 2, 1, move। अभी नहीं दिखाऊंगा। कई बार हम यूं ही बैठ के ना इंटेलेक्चुअल बातें करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कोई तो हल निकलेगा। आज हम इंडिया में बाबाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये संगठन कैसे काम करता है, मैं ना इसको भी फंसवाऊंगा, इसको भी मारेंगे लोग। मेरे को तो नहीं पता भैया, मेरे को तो मेरा संगठन काम नहीं करता दिख रहा। ये तो रहता भी फतेहबाद है, सिरसा की जस्ट पास। फतेहबाद में ज्यादा है सिरसा से है? आधा फतेहबाद है। तो अभी हम ऐसे बात कर रहे थे तो कृष्ण बता रहा था ये एक ना संगठन है। यहाँ पे जो जो जिस जिस को मानता है ना, जैसे कि मैं डेरा मानता हूँ और आप भी डेरा मानते हो और आपकी डेरी है, तो मैं आपसे ही दूध लेके जाऊंगा। ऐसे ही और सिस्टम में चलता है। अब मैं तो आपसे दूध ले गया, अब यूं समझ लो मेरी कपड़े की दुकान है, तो आप भी कपड़े लेने मेरे पास ही आओगे। यार इतना ऑफेंसिव डाल सकता हूँ मैं? मेरे को मारने आ जाएंगे ये। फिर भी इस बारे में मतलब मेरे को ये बात जाननी है, ना तो इनमें कोई शक्ति ना ये कोई चमत्कारी, फिर भी भारत में बाबाओं को क्यों माना जाता है? दीदी से पूछो। हैं दीदी? क्या पहन रखा है? आप भी किसी बाबा को मानते हो क्या? दीदी से पूछ लो, ये तो स्कैम हो गया। मेरी नानी मानती थी। अभी हम ऐसी बातें कर रहे थे और दीदी हमने कहा दीदी ऐसा क्यों है, बाबा को क्यों माना, दीदी खुद बाबा मानती है। और कल 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 इसी चाय में जहर होएगा। आज हमें दीदी जो चाय देके गई है, हो सकता है कल हमें इस चाय पी को ना बचे थे, इसलिए हम आज तो पी रहे कल से बंद कर देंगे। मतलब मैं ऑफेंसिव नहीं होना चाहता, मैं भी मान लूँगा बाबा, पर मेरे को बताओ यार कि मतलब एक तो प्रोसीजर क्या है और एक मतलब मानना ही क्यों है, ऐसा मतलब क्या मिलता है जो आपको अपने आप से नहीं मिलता, अपने काम से नहीं मिलता? मन की शांति में इतना अंधविश्वासी हो जाता है कि इंसान तुम ना मन से कमज़ोर हो शायद, अगर यही बात है तो है ना। जब तुम दिमाग से कमज़ोर हो तो तुम ज़िंदगी में करोगे क्या भाई? पर ये बात कह तो रहा हूँ मैं, पर जो लोग मानते होते हैं ना उनके पास पैसा भी बहुत है, ऐसा क्यों है? अरे वो पता है ये ना एक जिसने बोला ना, वो एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कम्युनिटी बन जाती है उनकी, तो उनका बिजनेस ग्रो होता है ना। मैं समझ गया, ये सारे ना संडे संडे आश्रम मिलते हैं। दीदी बस दीदी शायद जहर डाल के लाई हूँ तभी मुझे नहीं, और लोग ये क्या मेरे से क्यों पूछा? आज ही काम तमाम कर देते हैं। एक बंदा मिला था शो पे,
वो एक साल पहले सुसाइड करने जा रहा था, उसको किसी ने बोला भी तू सुसाइड ना कर, तू चल मेरे साथ। तो वो कमेटी के साथ जुड़ा था, और उसके पास भाई साहब रोड वाले। तो ये ऐसा कैसे होता है, वो कम्युनिटी की वजह से होता है या फिर उनको कम्युनिटी की वजह से सारे साथ देते हैं ना? फिर देखो, आप में से जो देख रहे होंगे आप में से भी कोई ना कोई तो मानता ही होगा, मैं बस आपका ना रीज़न जानना चाहता हूँ कैसा क्या है। या तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए जुड़ता है, चलो मेरे को बताना भाई कि ये सही है क्या कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी इंडिया में बाबाओं का है, जो इतने सारे बाबा बने हुए हैं अलग अलग कम्युनिटी के, और इनमें जादुई शक्तियाँ हैं क्या, देवीय शक्ति, भगवान से सीधा बातचीत है क्या? चलो बच्चे तो चले गए, अभी हम भी चलते हैं थोड़ी देर में, बैग पैक कर लेते हैं अभी तो। बस एक अपना है तू, जो सच है मेरा वो सब, मेरे का सपना है तू, देखूंगा तेरा रास्ता, वो कुछ तुझे बस खुदाया खास था। या तेरे पास था, तेरा खास था, वही रास्ता, वही मास्ता, तेरा ऐसा वही पास्ता। आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। सेनोरीटा मेरी जान, सेनोरीटा पे चलते हैं अब हम हिमांशी को लेने। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया यार, भगवान ने मेरी सुन ली। परसों इतनी और कल इतनी गर्मी थी, हद रिकॉर्ड तोड़, इतनी उमस, सांस नहीं ली जा रही, क्लासेस नहीं ली जा रही थी मेरे पे। आज ऐसा लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है, इतना मौसम ठंडा हो गया है बाहर, वाह। चलो गाइस, घर पे तो मैं पहुंच गया हूँ, सारा अपना काम फिनिश करके अब मैं नहाने जाता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। मैं जस्ट अभी नहा के आया हूँ और मेरे को सरप्राइज़ ये मिला है कि भगवान ने मेरी सुन ली है। आज तो मौसम ठंडा होगा, बारिश का मौसम है, सुहाना सुहाना। तो अभी हम भुट्टा खा रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि इसको ना सिनेमैटिक बना पाऊँ। जो भी जाता है बाइक पे एक नज़र ज़रूर मारता। धन्यवाद। और बारिश हो आपके पास, और कस्टमर आए। एक और व्लॉग डन हिमांशी, ये कर रहा हूँ ना सही काम में। यार ये अपलोड करने के चक्कर में मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, मतलब हो ही गया हूँ ऑलमोस्ट। सिर्फ और 10 मिनट हैं क्लास स्टार्ट होने में, जल्दी से हम निकलते हैं बस। जो मैं कलर बोलूंगा आपको उसी ब्लॉक पे जंप करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। ग्रीन, येलो। आप तो ग्रीन पे कूदे हो आर्यन, ग्रीन है ये तो, येलो 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 पे। येलो कौन सा होता है सर? ब्लू है। येलो बताओ, येलो। Yes. ये येलो। तो हमारे साथ नए कंटेस्टेंट जुड़े हैं, सभी सभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस गेम में सभी का स्वागत है।
इस गेम का नाम है कलर, कलर पे लिखा है जंप करने वाले का नाम येलो, येलो, ब्लू। घर पे आ चुके हैं, नहा लिए हैं, पूरे दिन का काम फिनिश हो चुका है, अब है सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, और इनकी तो पढ़ाई चल रही है अभी, रात के 9 बज रहे हैं और रात को 9 बजे होमवर्क हो रहा है इसका। चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ, देखूँगा क्या करूँगा, कुछ जगह वगैरह मिलेगी तो सो जाऊँगा, अदरवाइज जगे रहेंगे, एडिट वेडिट करेंगे जो आज का व्लॉग है। आज डिनर का लाइट खाना,